तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लैश के ऑल्टरनेट एंडिंग्स के बारे में। मैं अपनी पिछली कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि फ्लैश को बनाने में कितना टाइम लगा, जिसके चलते इस फिल्म को कई बार चेंजेस से गुजरना पड़ा। और ये भी एक रीजन है इस फिल्म में इतने बेकार VFX होने का, क्योंकि बहुत सी चीजों को एंड मोमेंट पे किया गया था। रिसेंटली हमें न्यूज सुनने को मिली थी कि इस फिल्म के लिए मल्टीपल एंडिंग्स को शूट किया गया था, जो शायद ही हमें कभी देखने को मिले। तो क्या है वो, चलिए करते हैं इस बारे में डिटेल में बात। द फ्लैश में हमें बहुत से अनएक्सपेक्टेड कैमियोज देखने को मिले, लेकिन सबसे बड़ा मोमेंट इस फिल्म के एंड में था, जब हमें बेन अफ्लेक की जगह जॉर्ज क्लूनी का ब्रूस वेन दिखाया गया, जिससे ये तो क्लियर हो जाता है कि बैरी ठीक से अपनी टाइमलाइन को सुधार नहीं पाया। इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं तीनों एंडिंग्स के बारे में। वैसे ही तीनों एंडिंग्स कोर्ट के बाहर की ही हैं, जिसमें बैरी एलन अपनी मॉम के मर्डर केस में अपने फादर को इनोसेंट प्रूव कर देता है। फर्स्ट एंडिंग फॉर्मर DC फिल्म प्रेसिडेंट वॉल्टर हमाडा के टाइम में शूट किया गया था, और इस सीन में हमें बैरी एलन, माइकल कीटन ब्रूस वेन और सैशा कैलेस सुपर गर्ल के साथ दिखाई देता है। और ये सीन काफी सिग्निफिकेंट होता, क्योंकि बैटमैन और सुपर गर्ल दोनों ही जनरल जॉर्ड की आर्मी के खिलाफ फ्लैश पॉइंट यूनिवर्स में हुई फाइनल बैटल के दौरान मारे गए थे। जून 2021 के एक सेट फोटो में कीटन को इस कोर्ट हाउस के बाहर सीन शूट करते हुए देखा गया था। और इस एंडिंग से माइकल कीटन के बैटमैन के फ्यूचर को भी सेट किया जाने वाला था, क्योंकि उस टाइम माइकल कीटन ही बेन अफ्लेक को रिप्लेस करके मेन DCU टाइमलाइन में बैटमैन बनने वाले थे। माइकल कीटन ने कैंसल बैटगर्ल मूवी और एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम के लिए भी कुछ सीन शूट किए थे। इसके अलावा उस वक्त बैटमैन बियॉन्ड एनिमेटेड सीरीज पे बेस्ड एक लाइव एक्शन फिल्म पे भी काम चल रहा था, और उसमें भी हमें माइकल कीटन ही ब्रूस वेन के रोल में दिखने वाले थे। उसके बाद वॉर्नर ब्रदर्स को डिस्कवरी ने एक्वायर कर लिया, जिसके बाद इस फिल्म की सेकंड एंडिंग को सितंबर 2022 में क्रिएट और शूट किया गया। इस एंडिंग में भी हमें वही बैटमैन और सुपरगर्ल तो देखने को मिलती ही, लेकिन उनके साथ हेनरी कैविल सुपरमैन और गैल गैडोट्स वंडर वुमन भी देखने को मिलती। इसके बाद जेम्स गन और पीटर साफरन DC स्टूडियोज के co-CEOs बने, और उन्होंने एक बार फिर से इस फिल्म की एंडिंग को चेंज करने का डिसीजन लिया। जेम्स गन और पीटर साफरन ऐसे किसी भी कैरेक्टर को टीज नहीं करना चाहते थे जो उनके DC यूनिवर्स के प्लान्स के साथ अलाइन नहीं था, क्योंकि इस फिल्म के एंड में अगर हमें हेनरी कैविल और गैल गैडोट को दिखा भी दिया जाता तो उसका कोई फ्यूचर नहीं होता। ये भी ठीक उसी तरह हो जाता जैसे ब्लैक एडम के पोस्ट क्रेडिट सीन में हेनरी कैविल के सुपरमैन को दिखाया था। इसके बजाय जेम्स गन और पीटर साफरन ने इस फिल्म में तीसरे बैटमैन यानी जॉर्ज क्लूनी को इंट्रोड्यूस करने का फैसला किया। द फ्लैश फिल्म को देखने के बाद जॉर्ज क्लूनी इस रोल के लिए रेडी हुए, और इस लास्ट और करंट एंडिंग को इसी साल जनवरी में शूट किया गया था। अब बेशक इस एंडिंग से 2013 में मैन ऑफ स्टील से शुरू हुई DCU को खत्म किया जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी DCU के लिए रास्ते खुले हुए हैं, क्योंकि इस फिल्म में किसी भी चीज को डिनाई नहीं किया गया, बल्कि आप इसे ओपन एंडिंग कह सकते हो, जिसमें फ्लैश फिलहाल किसी दूसरी टाइमलाइन में है, लेकिन वो कभी भी वापस मेन DCU में आ सकता है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।